हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृशा अजवल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मीठी मीठी सी रेसिपी एंजॉय कर रहे होंगे इस विंटर सीजन में। तो गाइज, ये अभी रात के बज चुके हैं 10, और तो मेरे पास है तिल रखे हुए थे, तो मैंने मेरे पास 250-250 ग्राम के 2 पैकेट्स थे, तो मुझे लगा कि चलो कुछ मीठा बना लिया जाए। तो कई दिन से मैं सोच रही थी लेकिन बन नहीं पा रहे थे, तो अभी मेरा काम भी ख़त्म हो गया था किचन का, तो मुझे लगा कि चलो अभी अब स्वीट रेसिपी रेडी करते हैं तिल की। तो जो 250 ग्राम का जो मेरे पास पैकेट था, अभी मैंने उसी को ही ओपन किया है। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल झटपट तैयार होने वाले तिल के लड्डू। तो सर्दी में मज़ा आ जाएगा तिल के लड्डू खा के, और जिसमें ज़्यादा घी का भी यूज़ नहीं होगा, और ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं जिनको चिकनाई बंद होती है, तो विदाउट घी के ये बनने वाले हैं। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत घी डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रेसिपी, लेट गेट स्टार्टेड। तो देखें, यहाँ मैंने लिए हैं आटा। तो तिल के लड्डू बनाने के अलग अलग तरीके हैं। तिल के लड्डू के लिए आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, बूरा के भी लड्डू बनते हैं, तिल के साथ गुड़ के भी बनते हैं, सूजी के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लड्डू बनते हैं। गूंद के साथ भी इसका भी यूज़ कर सकते हैं तिल। तो तिल को आप किसी भी वैरायटी में, किसी भी फॉर्म में आप लड्डू को बना सकते हैं, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो हमें विंटर्स में तिल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए भाई, आज मैं इसको बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसको गुड़ के साथ भी बनाया था, बूरा के साथ भी बनाया था, तो थोड़ा सा टेस्ट हमारा डिफरेंट हो जाता है, अच्छा लगता है, टेस्ट हमारा अलग अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। तो आज मैंने ट्राई किया है आटे के साथ। तो आटे के साथ मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है आटा। तो मेरे पास 250 ग्राम थे तिल, और तिल से मैंने थोड़े से ज़्यादा लिया है मैंने आटे की क्वांटिटी। तो आटे को मैंने अच्छे से भून लिया है, लाइट ब्राउन मैंने इसको कर लिया है, और फिर साथ में मैंने इसमें डाल दिया था 2 से 3 चम्मच घी। उससे क्या होगा कि अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी आटे के भुनने की, और अच्छा सा उसमें एक सॉफ्टनेस आ जाती है, वो हमारे जैसे कई बार गले में चिपकता है ना, तो वो हमारे गले में चिपकेगा नहीं आटा, तो इसलिए घी जरूर डाले आटे को भूनते हुए। उसके बाद जो मैंने 250 ग्राम मैंने लिए थे तिल, तो उसको मैंने अच्छा सा थोड़ा सा मैंने घी डाला और उसको हल्का सा मैंने भून लिया है 2 से 3 मिनट तक, और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको ठंडा करने के लिए अभी मैं रख दूंगी आटे को भी, और तिल को भी मैंने ठंडा करने के लिए भी रख दिया है दोनों चीज़ों को। अब बारी आती है नट्स की। तो यहाँ मैं कोई नट्स नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं यहाँ पर आलमंड का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो आलमंड को आप हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, घी में भून भी सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि वो कुछ ना कुछ यार हेल्दी भी होना चाहिए। तो सारी चीज़ें भून के डालेंगे ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही आलमंड मैंने इसको क्रश करके मैंने इसको अच्छे से इसमें कर लिया है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए, इधर मैंने रख दिया है घी, थोड़ा सा घी मैंने इसमें पहले डाला था, और थोड़ा सा ये है। अब बात करेंगे मीठे की। तो मीठा आपने जितने भी आपने तिल लिए हैं ना, तो उसकी क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी एक्स्ट्रा रख सकते हैं, कम खाना पसंद है तो आप कम रख सकते हैं, लेकिन एक रेशियो यही रहते हैं, जितने आप तिल लेंगे तो उतने ही आप मीठे का आप यूज़ करें। तो आप इसमें चीनी को भी ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अच्छी देसी बूरा थी, तो मैंने बूरा का ही मैंने यूज़ किया है। मैंने पहले तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो कि मैंने अवॉइड किया है, वो मैंने नहीं डाला। आप इसमें ढेर सारी मूंगफली भी डाल सकते हैं, कैश्यूज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं डाले, मैंने सिर्फ आलमंड्स का इसमें यूज़ किया है। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने अब इसमें डाला है घी, और घी को अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने से पहले मैंने इनको हल्के हल्के हाथों से मैं इनको भी लड्डू की फॉर्म दे दूँगी, और क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर घी हमारा ठंडा हो जाएगा, तो इनके ना अच्छे से लड्डू नहीं बनेंगे। तो भाई खुशबू तो अच्छी अच्छी सी आने लगी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाना।
लड्डू तैयार हो गए हैं, लग रहे हैं ना यमी यमी, तो ये भी थोड़े से गर्म है और आप इसको गार्निश कर सकते हैं, पिस्ता से भी कर सकते हैं, बादाम से भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास गिरी रखी हुई थी खरबूजे की, तो उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो आई होप आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा स्वीट स्वीट रेसिपी के साथ। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।